है घर पर नजर चैनल में। इंदौर में आज प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्ति एवं लेंस प्रत्यारोपण अभियान के तहत दौलतगंज में यह शिविर लगाया गया। पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी के द्वारा यहां पर लगभग 200 से ज्यादा मरीजों ने अपनी आंखों की जांच कराई और 50 से ज्यादा मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चौथराम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर मरीजों को मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। चोइथराम अस्पताल के द्वारा इस क्षेत्र में दौलतगंज क्षत्रिय फाइन मेडिकल के पास यह शिविर लगाया गया, जो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चला। यहां पर पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी के द्वारा 30 से ज्यादा मरीजों को चश्मे वितरित किए गए और अन्य चश्मे से संबंधित जानकारी दी गई और आगे भी यह इस प्रकार के शिविर लगाते रहेंगे। पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी के द्वारा चलो जल्दी जल्दी हो जाए, आगे करके बहुत मंगाई। कास्ट डालते हूँ, कास्ट डालते हूँ, जांच करते हूँ। तो लगभग जो छोटी स्क्रीन देखते हैं मोबाइल की, आंखों के पास लगा के जो है दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, रात में मोबाइल चला रहे हैं, तो उसका इफेक्ट लोगों की आंखों में पड़ गया, तो उससे ये ज़्यादातर जो है बीमारियाँ आ रही हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम बताएं? मोहम्मद इकबाल अंसारी, फाइन क्लिनिक। और आप भी इस बिजनेस में कब से साथ दे रहे हैं आपके पिताजी? करीब हमारे यहाँ पे सेवा करते हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और क्या आपको लगता है कि आजकल के युवाओं को जो जिस प्रकार से चश्मे की जो तकलीफ है वो सभी प्रकार के लोगों को आ रही है जगह इसमें? हाँ, लगभग अभी 90% लोगों को तकलीफ आ रही है आजकल टेलीविजन और मोबाइल के कारण, जो दिन भर लगे रहते हैं उसमें 99% तो लोगों को है ही तकलीफ, सिर में दर्द वगैरह या आजकल आम बीमारी हो गई इसी के कारण। और बताइए, आप यहाँ पर जो आपने जो शिविर लगाया है और इसको लेकर आपके मन में कैसे भावना है कि एकदम अचानक से मतलब इस प्रकार की आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं, तो ठंड में आज काफ़ी इंदौर में काफ़ी ठंड भी है और आपने काफ़ी अच्छा शिविर लगाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई, बहुत दिनों से हमारे मोहल्ले में इस बात की शिकायत आ रही थी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लोग घरों में हैं और घरों से जा नहीं चाहते हैं, टालते हैं और बात को तथ्य, और डॉक्टरों की सलाह ये रहती है अगर मोतियाबिंद बहुत दिन रह जाए तो वो बड़ी बीमारी के रूप में कांच भी बन जाता है।
तो हमने लोगों की इस मोहल्ले की सहूलत के लिए और हमारे इकबाल अंसारी साहब की ताउन से ये कोशिश करी कि यहाँ पर एक हम कैंप लगा दें जिससे कि आसपास की घनी आबादी के मोहल्ले वाले यहाँ आ जाएं, शामिल हो जाएं। चोईथराम जो नेत्रालय है वो इस तरह के ऑपरेशन करता है फ्री में और वहाँ उनको सहूलत है। उनसे बात की, उन्होंने भी रजामंदी का इजहार किया, तो हमने दो दिन से सब जगह अच्छी पब्लिसिटी करी, लोगों को बताया। वो करीबन 150 लोग अभी तक आ चुके हैं और लोग आते चले जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो सरकारी सहूलतें हैं और अस्पताल ने मुहैया कराई है तो हम उसमें इस सवाब में और इस पुण्य कार्य में हम भी शामिल हो जाएं। इस कोशिश में हमारे सब साथियों ने इस कोशिश करी और ये कैंप कामयाबी की तरफ जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के अच्छे काम हम मोहल्ले वालों के लिए करते रहेंगे। ये दौलगंज छतरी के पास जो फाइन मेडिकल है उसके पास ये शिविर लगा हुआ है और अभी जो लोग जिनका कैटरेक्ट मोतियाबिंद कन्फर्म हो गया उनको हमने गाड़ी में बिठा दिया है। वो गाड़ी लेके जाएगी, उनके खाने का इंतजाम हुआ होगा, ऑपरेशन होने के बाद वापस गाड़ी यहीं ला के छोड़ेगी, ये इंतजाम किया गया। और जिन लोगों के पास पढ़ने के चश्मे की परेशानी है उनको भी फ्री चश्मे दिए यहाँ से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर लजीत साहब जो रिटायर्ड आई स्पेशल से वो बैठ के जाँच कर रहे हैं। पढ़ने के चश्मे यहाँ पर 30 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको फ्री में दिए जाएंगे और दवा भी दी जाएगी। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम इफ्तिखार मुन्ना अंसारी। और क्या इस प्रकार के और आगे भी अन्य प्रकार की सेवा कार्य जो अभी लगातार करते आ रहे हैं जारी रहेगा। अभी आगे हम बताइए, आज यहाँ विशेष रूप से मोतियाबिंद और आंखों का विशेष शिविर लगाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 60 के जांबाज जागरूक और खुदमत गुजार पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी साहब की सरपरस्ती में जो लगातार खिदमत के काम वो करते चले आ रहे हैं, उस खिदमत के काम में आज मोतियाबिंद के जांचें वगैरह करवा के और 45 से 50 लोगों का ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा है और 231 और 32 लोगों का यहाँ पर आंखों की जांच करके चश्मे निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं। और इस सारे आयोजन में चोईथराम नेत्रालय अस्पताल जो है उसका भी भरपूर सहयोग रहा। फाइन मेडिकल यहाँ के जो दौलतगंज का बहुत ही चर्चित मेडिकल है जो खिदमत में बहुत आगे है, मुन्ना अंसारी साहब के डायरेक्शन में उनकी सरपरस्ती में जो खिदमत के काम है वो हमेशा इसी तरह के जारी रहेंगे और आगे भी हम इसी तरह इस काम को मुन्ना अंसारी साहब की सरपरस्ती में कायम रखना चाहते हैं। आपका शुभ नाम बताएं। कैप्टन इसरार नस्तरी, दौलतगंज रानीपुर। बताइए यहाँ यहाँ लगभग कितने बजे से ये शिविर शुरू हुआ और कब तक चलेगा? ये सुबह यहाँ पर 8 बजे से शिविर चालू हो चुका था, जैसे ठंड के कारण सब 9 बजे तक आए यहाँ पर और हमारे इफ्तिखार मुन्ना अंसारी साहब ने हर जगह मोहल्ले में ऐलान भी करवाया, मैसेज भी दिए, सभी को जागृत करा कि यहाँ फ्री में कैंप लग रहा है, इसका लाभ उठाइए। तो चोईथराम हॉस्पिटल से इन्होंने संपर्क करके बस से बुला के वहाँ के डॉक्टरों को बुलाया, सबकी चेकअप कराया और कम से कम 50 से ऊपर अधिक तक लोग मेरे सामने तो बस में बैठ चुके हैं। वो 235 या 236 समथिंग जिनकी आंखों की जांच वो भी निःशुल्क है और फाइन मेडिकल के द्वारा यहाँ पर जो फाइन हॉस्पिटल है फाइन मेडिकल भी है उसके द्वारा यहाँ पर चश्मे भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। आपका शुभ नाम बताएं। यूनुस जिंद्राल। यहाँ लगभग कितने लोगों का निःशुल्क दवाई वगैरह भी वितरित की गई है, चश्मे भी वितरित किए गए? 50 से ऊपर लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है चोईथराम नेत्रालय और 250 लोगों से ऊपर लोगों की उसमें सर्जरी हुई, आंखों की जांच हुई है जिसमें कई लोगों को चश्मे भी है क्या नंबर निकले तो उनको मुफ्त में फाइन मेडिकल की जानिब से चश्मे मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। और इन सब काम के अंदर पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी जी, फाइन मेडिकल के संचालक इकबाल अंसारी जी का विशेष सहयोग लिया। आपका नाम बताएं। यूसुफ अंसारी। बताइए जो शिविर लगाए विषय के बारे में और क्या बताया आप? ये सामाजिक सेवा का काम है, जैसे अच्छे मौके पे मेरे को एक है ना रवि साहब का एक गाना आता आ रहा है यहाँ जा रहा है कि चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, करीब रोशनी के लाओ बहुत अंधेरा है। मतलब किसी को भी है ना इंसान के जीवन में अगर रोशनी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और ये जो काम भी किया है उस प्रकार मुन्ना अंसारी भाई की तरफ से हुआ है जो बहुत सराहनीय काम है और ऐसा काम हमेशा होते रहना चाहिए। आपका नाम बताएं। मैं नरेंद्र खरे, पत्रकार।